हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डेस्टिनी आपकी कौन सी कमजोरी को आपकी ताकत बना रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डेस्टिनी आपकी कौन सी कमजोरी को आपकी ताकत के रूप में उभार कर सबके सामने लेकर आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, तो डेस्टिनी आपकी कौन सी कमजोरी को आपकी ताकत के रूप में उभर कर सबके सामने लेकर आ रही है। बहुत से मैसेजेस आपके पर्सनालिटी को भी लेकर आए हैं गाइस, और आपकी लाइफ में चल रही कुछ दिक्कतों को भी लेकर आए हैं। देखो, सबसे पहले अगर इसको पढ़े पेंटिकल्स, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर कहीं ना कहीं पैसे के मामले को लेकर लोगों ने आपको अपना रुतबा बहुत दिखाने की कोशिश की है, या फिर आपको थोड़ा अपने से कमतर दिखाने की कोशिश की है। सिचुएशन को समझना गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटी होगी। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो जिन्होंने आपको पैसों के तौर पर तोड़ने की कोशिश बहुत की है, या कहीं ना कहीं उतना उनको इतना पता था कि आप में वो में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिसके आधार पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, या कुछ योग्यताएं उन्होंने आप में देखी थी। लेकिन जैसे कह सकते हैं ना कि कुछ लोगों, मतलब आपने अपनी लाइफ में ये देखा होगा गाइस, कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग आपसे थोड़े फिनेंशियल मैटर को लेकर स्टेबल है। ये पहले की पास्ट की बात कर रही हूँ गाइस, कुछ सालों पहले की बात है, जहाँ पर लोग अपने पैसों का घमंड जो है ना ये आपको बहुत दिखाते थे, और इस आधार पर आपको डाउन में लेना, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं ना, ये बड़ी डीप बात है, गहरी बात है इसको समझना, कि एक इंसान जो होता है ना कम पैसे में भी अपना अपना जीवन जो है ना बहुत अच्छे से जीता है और संतुष्ट भी होता है ना। शायद आपकी स्थिति वो थी कि आप में वो क्षमताएं थी, वो एक कहता है ना कि इतना अच्छा कौशल स्किल के आप कम व्यवस्था में भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर पाते थे। समझ रहे हैं इस बात को? कोई और इंसान आपकी लाइफ के कुछ ऐसे थे जिन्होंने जिनके पास पैसे भी बहुत है, लेकिन पैसे होने के बाद में भी वो संतुष्टि नहीं, और इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी वो अपनी लाइफ में वो व्यवस्था नहीं कर सकते, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते जैसा आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपको मतलब घमंड भी दिखाने की कोशिश की और पैसों के आधार पर भी तोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे पैतृक संपत्ति को लेकर बात कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद जो है ना बहुत चले, और शायद ये विवाद इस हद तक में चले होंगे कि कहीं ना कहीं मामला लीगल लीगल इशू भी बन गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं गाइस कि इसके अलावा भी ज़मीन का कोई मुद्दा लग रहा है, कि ज़मीन के मुद्दे को लेकर बहुत बुरी तरीके का किसी को झगड़ा चल रहा हो ना, वैसे सिचुएशन भी लग रही है। कुछ ऐसी परिस्थिति गाइस, यहाँ पर पहला मैसेज है कि आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर, आपके आर्थिक हालातों को लेकर किसी ने आपको बड़ा कमज़ोर समझा है, और ये सोचा है कि कमज़ोर इंसान है, इनको और कमज़ोर कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उठकर खड़े नहीं हो पाओगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी पता था कि आपकी हेल्थ अगर अच्छी रह जाती है तो आप अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे, जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स कहते हैं, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहता है कि अगर इनका स्वार्थ अच्छा रहेगा तो ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो किसी ने आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिया जिसका इफ़ेक्ट कहीं हेल्थ पर रहा गाइस, और ये भी हो सकता है कि
कभी कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट आपका ऐसा हुआ जिसका प्रभाव आपकी हेल्थ पर, बीते कुछ सालों की बात कर रहे होंगे गाइस, तो आपकी हेल्थ पर पड़ा, उससे आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ी स्थिति और डबाडोल हो गई। तीसरी बात आपकी लाइफ की जो आपकी बड़ी कमज़ोरी कह सकते हैं गाइस, कि आपका इमोशनल होना, वो बहुत बड़ी कमज़ोरी आपकी रही है। देखो मैं एक बात कहूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी इंसान को अपनी क्षमताओं के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती, या अपनी, मतलब कुछ लोग अपनी कोई बात को अपनी कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन दुनिया को पता होता है बहुत से जो नेगेटिव या थोड़े कह सकते हैं घर अलग टाइप के लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये कि इस इंसान की कमज़ोरी नहीं है। अगर ये इंसान खुद को जान पाएगा, भाप पाएगा और अपने व्यवहार को बदल देगा, अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लेगा ना, तो ये जो आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं या आपके काम में रुकावटें डाल रहे हैं ना, इनका प्रभाव आप पर कभी पड़ना ही नहीं है, आप कितने ही आगे बढ़ जाओगे। ये सत्य बात है गाइस, आपकी लाइफ को लेकर काफ़ी सारे पॉइंट्स इस तरीके के आए हैं कि अगर एक एक करके बताओ ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि वाकई में हाँ मैम, ये चीज़ें हमारे साथ हुई है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, और कहीं ना कहीं आपका इमोशनल होना आपके दुख का बहुत बड़ा कारण बना है। अगर आप मूल्यांकन करो तो आपको पता चलेगा इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ा, इसका इफेक्ट जो है ना आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर पड़ा है, आपकी दिमाग की स्थिति को लेकर पड़ा है। अगर आप अपनी लाइफ में इमोशंस को बैलेंस में रख कर, जैसे ये कार्ड कहता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो आपको भी पता है कि आपकी लाइफ का इतना बिगाड़ा नहीं हुआ होता, है ना। कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छाई का फ़ायदा 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 और फ़ायदा ही उठाया गया, मिसयूज़ 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 और सिर्फ मिसयूज़ किया गया है। यही बात हुई है आपके साथ। दूसरा, आपका इमोशनल होना, इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी पैटर्न एक जैसे चले हैं गाइस। कुदरत ने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, बार बार आपके सामने कोई समस्या को लाकर भी खड़ा किया है। शायद आपने भी सोचा होगा कि मैं अगर सही राह पर चल रही हूँ, मैं अगर सही राह पर चल रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई थी, या एक जैसी परिस्थिति क्यों बार बार चल रही थी, या आपके लिए लोगों का व्यवहार बुरा एक जैसा हर एक का क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा था, है ना। कहीं ना कहीं आपका व्यवहार किसी को लालच दे रहा है मिसयूज़ करवाने का। जैसे कि कोई भोला इंसान होता है ना, मासूम इंसान होता है ना, तो दुनिया को वो बोलेगा बाद में, उनकी सूरत को देखकर लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत मासूम है। और भूले भटके अगर कोई बात बात में शब्द निकल जाते हैं, तो वो जो चालाक लोग होते हैं ना, वो जल्दी से पकड़ लेते हैं गाइस बात को, और समझ जाते हैं कि इनमें चतुराई कितनी है, इनमें विजडम कितनी है। एक्चुअल में हकीकत क्या है पता है, आप में बुद्धि बहुत अच्छी है, आप में मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है गाइस। आपकी बारीकियों को, समझ की बारीकियां जो होती है ना, उसको शायद आपने कभी नहीं समझा है, जितना आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपसे असुरक्षित महसूस करते हैं ना, उन्होंने आपकी इस क्वालिटी को समझा है। कहता है ना कि किसी की क्षमताओं के बारे में उनकी छोटी छोटी हरकतों को देखकर पता चल जाता है कि ये कभी कुछ कर सकते हैं लाइफ में या नहीं कर सकते हैं, ये वाकई में सक्रिय है या निष्क्रिय है। आप एक्टिव बहुत थे, अभी नहीं हो, लेकिन पहले आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। आलस कहता ना, लेस मात्र भी नहीं होना, वो वाली बात, हर कोई काम को देखकर सीख जाना कितने कम लोगों में होता है, लोगों को सिखाना पड़ता है बार बार एक 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 चीज, यहाँ वो मामला ही नहीं है। शांत भी होना, एनर्जी भी बैलेंस होना, वो चीज़ें कहाँ गई गाइस, कहाँ गई। देखो एक बात कहूँ, परिस्थितियाँ, लोग, ये सब चीज़ों को आपसे आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप में इनबिल्ट है ना। वो सिर्फ कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ का रिमोट जो है ना, वो उनके हाथ में दो या ना दो। आपकी कमज़ोरी क्या है, सबसे पहली बात, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आए हैं, फिनेंशियल मैटर को लेकर आपकी कमज़ोरी है गाइस। अगर आप आत्मनिर्भर बन जाते हो, आप में ये बल आ जाता है ना, आप में आपकी ये जड़ें मजबूत हो जाए ना, सबसे पहली बात, तो
तब देखना आप में आपकी ये कमजोरी जो है ना उभर कर इस तरीके से लोगों के सामने आती है कि हैरान होंगे लोग वाकई में, क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी स्थिति इस तरीके की कर करके अभी उनमें बड़ा प्राउड है कि उन्होंने जो चाहा ना वो किसी इंसान को पीछे धकेल दिया है, इतना पीछे धकेल दिया है कि वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, उनसे आगे तो कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी गलतफहमी कुछ लोगों को हो रखी है, लेकिन ये तो मालिक का न्याय है गाइस, है ना। कभी भी कोई भी इंसान की लाइफ में कभी भी मिरेकल हो सकता है, और अच्छे लोगों की लाइफ में हमेशा होता है गाइस। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लोगों की लाइफ में न्याय भी होता है और मिरेकल भी होता है। आपकी लाइफ में कोई एक तो इंसान है जो आपके लिए बड़े लॉयल है, ठीक है। डेस्टिनी आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको इतना मजबूत करेंगे गाइस कि ये कमज़ोरी आपकी ताकत के रूप में उभर कर लोगों के सामने आएगी। और हकीकत क्या है पता है कि लोग आपसे असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? शायद अभी भी आपने कोई ऐसा रास्ता पकड़ रखा है जो कहीं ना कहीं उससे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें बाधक बनने की कोशिश करते हैं। बाधक बनने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप सही राह पर, और जब आप सही राह पर होते हो ना तभी लोग उस काम में बाधा बनने की कोशिश करते हैं, उसे असुरक्षित महसूस करते हैं, उसे आपको रोकने की कोशिश करते हैं। अब अगर इतना सारा जमावड़ा कह लो, इतनी सारी भीड़ कह लो, अगर आपको किसी काम को करने से रोकती है या आप जिस राह पर चल रहे हो है ना उस राह पर चलने से आपको रोकती है, तो समझ जाओ गाइस भले कितनी भी कठिनाई आ रही है आपको, भले कितने बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं, या अभी पैसों को लेकर भी दिक्कत है, आप सही राह पर हो गाइस, आप सही राह पर हो। इस पे कोई साथ दे ना दे मालिक का साथ मिलेगा आपको। आपकी कमजोरी को आपकी ताकत के रूप में किस तरीके से उभारा जा सकता है? पहला मामला है आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर, आर्थिक हालातों को मजबूत करना। वो कैसे होगा आप उसका तरीका समझो। पहले आपके सवाल का जवाब आया है ना कि आपकी इस कमजोरी को आपकी ताकत के रूप में उभार कर सामने लेकर आया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर डायरेक्टली कहूँ तो फिनेंशियल तौर पर आपको इतना स्टेबल कर देना कि अपनी पावर में आ जाना। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है? अपनी पावर में आना, लेकिन साथ में अपने इमोशंस को पूरी तरीके से काबू में रखना, जो आपके लिए एक मिसयूज का कारण ना बने, जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी का कारण ना बने, है ना। अति हर चीज़ की बुरी होती है, और अति होने पर वही चीज़ एक नेगेटिव भाव लेकर आ जाती है। उस चीज़ से आपको दूर करना और आपकी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिव आउटपुट जो है ना वो आपको मिलना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाना, मतलब पावर में आ जाना गाइस। इस स्थिति को आपके बदल देना। ये पास में कार्ड आया है, इसके पास में क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पर मेल एनर्जी, यहाँ पर फीमेल एनर्जी, मीन्स एनर्जी का बैलेंस में आ जाना गाइस, बड़ी बात है ना। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है कि अब अपने एटीट्यूड में इस तरीके का बदलाव लेकर आना कि किसी को अपना मिसयूज़ कराने का अधिकार नहीं देना। आप कोई मकसद लेकर आए हो गाइस, या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर आप चल पड़े हो अपनी राह पर। शायद कोई मुद्दा है आपकी लाइफ का, यहाँ पर जैसे कहता ना उसके बारे में एकदम क्लियर संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन कोई मुद्दा है, जैसे हो सकता है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, या कोई काम है आपका बड़ा महत्वपूर्ण है जिसकी जिसको लेकर बहुतों सालों से आप संघर्ष कर रहे हो, उसे पूरा करने के लिए, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए, सार्थकता देने के लिए, लेकिन वो काम आपका बन नहीं रहा है, और उस काम में रोड़े बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, हर कोई चलता फिर तो उस काम में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। और ये काम ऐसा है आपका कि इसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है गाइस, और काफ़ी सारे लोगों ने शायद पहले इस काम में आपके सपोर्ट करने की बात कही, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ साथ लोग छूटते गए, छूटते गए। अभी की सिचुएशन ये है कि हो सकता है थोड़े टाइम पहले, कुछ सालों पहले आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरी परिस्थिति क्रिएट हुई गाइस, जहाँ पर कह सकते हैं ना कि एक परीक्षा की घड़ी वाली बात, कि इस काम को लेकर जो लोग कह रहे हैं ना कि वो भी साथ देंगे, वो भी सपोर्ट करेंगे, कि वो एक कुदरत परीक्षा लेती है, बस वैसे ही चीज़ कुछ आपकी लाइफ में हुई है। हालांकि दिक्कत बहुत हुई है आपको भी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है आपको,
लेकिन उस समय मैं कहता ना, विपत्ति में पता चल जाना कि कौन अपना है कौन पराया है। शायद आपके अपनों के चेहरे भी आपके सामने आए होंगे कि इस काम में कोई आपका साथ नहीं देने वाला और आप अकेले उस स्थिति में खड़े रहे जहाँ पर आपने सिर्फ मालिक से प्रे की कि मालिक आप आके बचाओ और मेरे ये काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। यहाँ पर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे लग रहा है गाइस। अभी अब मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बट मैं एक बात कहूँ गाइस कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने मालिक को सौंपी है ना, समर्पण कर दिया ना, अब बिल्कुल स्ट्रेस में मत रहो। लोगों ने इस बात को आपकी कमज़ोरी समझ रखा है कि ये इनकी कमज़ोरी है, इसके आधार पर इनको परेशान करने की कोशिश करो। ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्या पता क्या कमज़ोरी है, मालिक इस कमज़ोरी को ही आपकी ताकत बना देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर किस आधार पर लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहली बात कि आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर ही आपको मजबूती दे देना, आपकी जड़ों को मजबूत कर देना है, समझ रहे हो, जो आगे चलकर सिर्फ ग्रोथ ही दे, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहे। समझ रहे हो इस बात को, है ना। आपके फ्यूचर को इस तरीके से सुरक्षित करना, आपकी लाइफ की नकारात्मकता आपके सामने लेकर आ जाना, जो भी हिडन आपकी लाइफ में जो छुपा हुआ है, परेशानी जो क्रिएट कर रही है छुप छुप कर, जो लोग कहते हैं ना किसी और को जरिया बनाकर सामने रख कर अपनी चालों को चलने की कोशिश करते हैं, वो लोगों के बारे में भी आपको पता चलेगा, उनके बिहेवियर के बारे में आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं अभी भी आभास है कि ऐसे लोग कौन हैं जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि खुलकर सामने आकर वार करें, वो किसी और इंसान को जरिया बनाकर दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है ये हरकतें किस इंसान की हो सकती है। देखो मालिक सब देखते हैं, कहता है ना कि कोई ज़्यादा ही खिलाड़ी बनने की कोशिश करता है ना, दिमाग में यही रखना, मालिक से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। किसी ने आपकी लाइफ का अवलोकन बहुत कहता है ना कि आपसे ज़्यादा किया है, आपने तो शायद किया नहीं होगा अपना मूल्यांकन कभी। मैंने कहा ना मेरे कस्तूरी मृग हैं जो सिर्फ कस्तूरी मृग बनकर घूम रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे हैं। अगर पहचान लेना है ना, तो ये कोई आपकी लाइफ का एक कह सकते हैं आपका कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। ये सच्ची बात है गाइस। अगर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है ना, जितना मूल्यांकन किसी ने आपकी लाइफ का किया है, ठीक है, उनको ये सब पता है गाइस कि आपकी कमज़ोरी किन किन चीज़ों में है, किन किन बातों में, किन किन लोगों में है, और उसको आधार बनाकर आपको परेशान किया जाना, आपको मानसिक तनाव देना। लेकिन ये कब तक गाइस, है ना, एक समय चक्र है। एक कहता ना कि किसी इंसान को जितना दबाया जाता है, जितना नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, जितना उनको कहता ना कि अच्छा रहने के बाद में भी किसी इंसान को इतना विवश किया जाता है, तो होता क्या है कि जितना किसी को दबाया जाता है ना, उतना वो उभर कर ऊपर उठता है। आपको जितना गिराने की कोशिश की है मालिक ने, उतना ही आपको बचाया और उतना ही आपको ऊपर उठाएंगे। ये दो कार्ड आकर कहते हैं कि आप में वो गुस्सा भर गया, अभी अंदर बहुत भूचाल है आपके मन में कि कितने सारे लोगों ने, कोई एक हो दो हो, मतलब इर्द गिर्द के बहुत से लोग गाइस, बहुत से। अगर कोई आपको पूछे कि आप लाइफ के लॉयल लोग कौन कौन हैं, तो आप काउंट करोगे और काउंट करने में भी सोच सोच कर काउंट करना पड़ता है। कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। सन ये देखो कहा ना, आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको मजबूती दी जाना गाइस। और रही बात हेल्थ की, देखो यहाँ पर आपके पैर को लेकर कोई दिक्कत है गाइस, आपके पैर को लेकर कोई दिक्कत है, आपके सर में कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या जो कुछ भी है उसको लेकर, मतलब जैसे पंजा होता है ना पैर का, ठीक है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रखी है, लेकर कोई चमत्कार आप बहुत जल्द देखोगे गाइस। पहली बात तो ये, मतलब हेल्थ के मामले को लेकर सुधार आपको वो दिखना, मतलब क्या है इसकी डीप मीनिंग समझना गाइस, कि जिस किसी ने भी आपकी लाइफ का मूल्यांकन करके बारीक से बारीक चीज़ों को उठाकर आपको स्ट्रेस दिया है ना, उन चीज़ों में सुधार करना, उन चीज़ों में इस तरीके की रिकवरी लेकर आना कि वो आपकी ताकत के रूप में आपको साथ दे,
मतलब आपकी हेल्थ का ठीक हो जाना। और ये आपको भी पता है, अगर मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो जाए, तो मैं अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान में आलस नहीं है, वर्कोहोलिक है, लेकिन हेल्थ कभी कभी बीच में आ जाती है। अपना पास्ट देखो ना, आप कितनी मेहनत करते थे, और थकान नहीं होना, काम को कंटिन्यू में करना, है ना, वो चीज़ें वापस आपके आना गाइस। हेल्थ अच्छी होना, और दूसरा, हेल्थ जैसे ही अच्छी होगी आपका दिमाग काम करेगा। जैसे एक हैंग हो जाते हो ना, यहाँ क्या सिचुएशन लग रही है, हैंग हो जाते हो स्ट्रेस के मारे। ये सिचुएशन हो रही थी आपके साथ कि किसी की बात समझ में नहीं आना, और आपके विरुद्ध अगर कोई सामने बैठकर आपको बात कह रहा है, गलत कोई सामने वाला कर रहा है, लेकिन आपको आरोपी आरोपित साबित करने की कोशिश कर रहा है। आपकी स्थिति वो कि आप बोल कर भी उनको पलट कर जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपकी हालत ऐसी कि आपको आपके दिमाग में ये आता था कौन बहसबाजी करे। इतनी क्षमता नहीं, इतनी शरीर में जान नहीं है कि बहसबाजी करके इनको वापस रिप्लाई दे। बोले बोल कर फ्री हो जाने दो, मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहती, समय खराब नहीं करना चाहता। वो शरीर में उतनी जान भी नहीं, पता है, जैसे यहाँ पर किसी के शरीर में इतनी कमजोरी का महसूस होना कि बहसबाजी करने पर हाथ पांव धूज जाते हैं। समझ रहे हो, मतलब बहुत गंभीर स्थिति के बारे में आपको आपके बारे में पता चल रही है। एक चीज़ कहूँ घास, एक बात कह रही हूँ, किसी ने इतना आपको बेबस करने की कोशिश की है ना, मालिक के न्याय पर बिलीव रखना, मालिक के न्याय पर बिलीव रखना। देखो, न्याय तो स्टार्ट हो चुका है, ये ना अपनी लाइफ का मूल्यांकन करो सबसे पहले, समझो इस बात को। जैसे जैसे आपकी हेल्थ ठीक होती है ना, अभी ठीक नहीं है, अभी अगर मन करता है थोड़ा रेस्ट करने का, रेस्ट करना, ठीक है, रेस्ट करके लगे थोड़ा ठीक होने लगे हैं, बिस्तर पर ज़्यादा नहीं बैठना, ठीक है, ज़्यादा सोना ही नहीं, उठो और अपनी लाइफ का मूल्यांकन करो। मूल्यांकन करके फिनेंशियल मैटर को लेकर जो अपॉर्चुनिटी आती है, या आपका दिमाग आपको कोई आइडिया देता है ना, उसको आजमाने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ एक बात कह दूँ कि एंजल्स नंबर आपको इस तरीके से नज़र आएंगे, जैसे एक सपोर्ट करते हैं ना कि बेटा इस राह पर यहाँ चलना है, यहाँ चलना है, बिल्कुल कोई अंगुली पकड़ कर चलता है ना, आपको उस तरीके से राह दिखाई जाएगी। क्योंकि डेस्टिनी ने सोच रखा है कि आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत बनाना। पहला, फिनेंशियल मैटर को लेकर डेफिनेटली आपको मजबूती दी जाएगी। दूसरा, आपके एटीट्यूड में बहुत बदलाव आएगा। तीसरा, एक बात कह दूंगा इसकी, जिस काम के बारे में अभी बात कर रही थी ना, किला कैसा रहा है कि कोई काम को लेकर लोगों ने आपको आपकी कमजोरी बना लिया था, और कहीं ना कहीं आपने भी समझ लिया था कि ये मेरा काम जो है ना, ये मेरी कमजोरी बनकर रह गया है, लेकिन वो कमजोरी आपकी ताकत बनेगी। मतलब क्या, यहाँ पर देखो दोहरी मजबूती, समझना इस बात को, कि आपको भी आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाना, आपका काम भी बनाना, ठीक है, आप में वो मजबूती भी लेकर आना, फिनेंशियल मैटर को लेकर सफलता आपको देना, अबंडेंस आपको मिलना, आपके एटीट्यूड में बदलाव आना, इतने सारे चेंजेस हो जाना, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होना, और साथ में आपको जिस काम को लेकर बहुत बड़ा स्ट्रेस था कि ये काम लोग होने नहीं दे रहे हैं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने नहीं दे रहे हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मालिक के द्वारा निभाई जाएगी गाइस। क्योंकि आपने एक स्थिति में उसका समर्पण कर दिया था, तो लगेगा दुनिया को कि वो आपने दायित्व का निर्वाह किया, वो मालिक जो है ना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, और उसकी उसकी यश की प्राप्ति वो आपको देंगे, वो काम आपका डेफिनेटली बनेगा गाइस। इसका तरीका अलग होगा, दुनिया की सोच से परे, क्योंकि लोग क्या है, इस काम में बाधक बनने की बहुत कोशिश करेंगे, तो लोगों की सोच से परे ये काम आपका बनेगा, ठीक है, लेकिन बनेगा जरूर। मतलब एक बात कह दूँ, आगे चलकर इस काम को लेकर शायद बहुत कुछ आपको सुनना पड़ा होगा, है ना, बहुत सारे ताने सुनने पड़े होंगे, बहुत सारे लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ी होगी। अब आगे चलकर देखो यश की प्राप्ति कैसे होती है। कहता है ना कि किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो बस एक परीक्षा की घड़ी होती है, मालिक उसको कभी ना कभी ताकतवर बना ही देते हैं, है ना जी। और जैसे जैसे आप असामाजिक होते गए, या फिर लोगों से जितना आपका डिस्टेंस बना, खुद ब खुद बनाया गाइस, समय समय पर लोग आपकी लाइफ से निकलते गए हैं, निकलते गए, निकलते गए, या आपके लिए अच्छा ही रहा। अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में रहती ना,
तो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहता। या आप बहुत ज़्यादा अगर बाहर घूमते फिरते तो आपके बारे में लोगों ने क्या सोच रखा है, क्या राय बना रखी है, या आपकी इमेज को लेकर किस तरीके की चर्चाएं चल रही है, अगर वो आपके सामने आती तो आपका जीवन और दुश्वार हो जाता। अब आप समझने की कोशिश करो, अब इस परिस्थिति को समझो। कहते हैं ना, मालिक जो करते हैं वो अच्छा के लिए करते हैं। अगर आप फिर भी सामाजिक होते तो अभी जिस स्थिति में हो ना, उस स्थिति में भी नहीं होते। आपका दिमाग का हाल उतना भी नहीं होता गाइस। मानसिक तनाव कितना ज़्यादा होता। या ऐसे नेगेटिव लोग जो समय समय पर आपकी लाइफ से छूटते गए हैं, अगर वो अभी भी आपकी लाइफ में होते तो आपकी लाइफ का तो बहुत बुरा हाल हो गया होता। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुए हैं, जो कुछ भी मालिक ने आपकी लाइफ में जो परिवर्तन किए, जो एक समय में आपको बहुत बुरे लगे, हो सकता है एक समय में आपको पैसों का लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है गाइस, लेकिन वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसको भी समझना है। किस अंधविश्वास की वजह से हुआ ये भी समझना गाइस, क्योंकि ये पैटर्न पूरे तरीके से ख़त्म करना है। तो आगे आपका रवैया अंधविश्वास वाला ना रहे कि यार किसी पर ट्रस्ट कर लो आप। ये देखो, किंग किंग और क्वीन की एनर्जी गाइस। तर्क बहुत लगाओगे, लॉजिक बहुत लगाओगे, यहाँ पर इमोशंस आपके ना बिल्कुल काबू में रहने वाले। और रही बात के अपना प्यार लगाव जो है ना, ऐसे लोगों को देना पसंद करोगे जो इसको लेकर डिजर्व करते हैं। जैसे पहले हर किसी के लिए लगाव रहता था ना, कि चलो ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, इनके बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो, खुद के बारे में नहीं सोचना। अब पहले खुद के बारे में भी सोचना, ठीक है, और लगा उन्हीं लोगों को देना जो इनकी कदर करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है गाइस, इस परिस्थिति को समझ आना कि अपना एक एटीट्यूड रखना, अपना एक ऑरा रखना, मतलब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना, है ना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना, अपने ओहदे को पहचानना। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली, द वर्ल्ड, ओ माई गॉड गाइस, बहुत बड़े कार्ड आए हैं आपके। ये देखो, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में। शत्रुता के भाव कोई लोग कितने रख रहे हैं आपके लिए। कमजोरियों को ढूंढना किसी की, आपको भी पता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ की कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कोई एक इंसान नहीं है गाइस, ये आपकी लाइफ के कुछ ज़्यादा इंसान हैं, ज़्यादा लोग हैं जिनकी सोच एक जैसी है, जिन्होंने समय समय पर आपकी लाइफ में बुरी परिस्थितियों को क्रिएट किया है। मतलब कोई एक इंसान गलत कह रहा था ना, दूसरा उस बात को सहमति दे रहा था, तीसरा उस बात को सहमति दे रहा था। मतलब गलत बात में एक झुंड जो है ना, वो एक होकर आप पर प्रेशर डालने की कोशिश करना, आपको कमज़ोर करना, आपको परेशान करने की कोशिश करना। मतलब एक साइड एक अकेला इंसान खड़ा है और इधर इतने सारे लोग जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, अपनी सोच से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने एक्शन से, गलत कहकर कहकर। आप कोई इंसान इतना कन्फ्यूजन है कि वो करे क्या, वो कुछ भी करे लेकिन उनको सुनना ही यही पड़ता है कि आप तो गलती करते हो, आप तो गलती करते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड आना ये कहता है कि लोग जिस चीज़ को लेकर आपकी कमज़ोरी बना रहे हैं ना, मालिक कुदरत ने उस कमज़ोरी को आपकी ताकत के रूप में बनाना तय कर लिया है गाइस। और ये ना केवल अभी की बात है, ये समझ लो कि ये बस इन लोगों की परीक्षा थी, ये आपकी परीक्षा नहीं थी, कि ये किसी मुद्दे को लेकर किस हद तक में जाते हैं या इनका व्यवहार किस तरीके का है, वो एक बार सामने आ जाए। कहते हैं ना कि कोई अपने तर्कश के तीर सारे निकाल दे, आपको पता चल जाए कि इस मुद्दे पर ये इतने सारे अपने तर्कश के तीर निकाल सकते हैं, उसके बाद ना आपके लिए संभलना थोड़ा आसान हो जाता है। और आपकी किस्मत आपका साथ देती है। एक्चुअल में ये आपकी जो कमजोरी है उसको ताकत बनाना तो डेस्टिनी ने पहले से ही सोच रखा है। देखो, मालिक को तो हमारे भविष्य के बारे में पहले से पता होता है, किस्मत तो हमारी पहले से लिखी जाती है ना जी। तो ये नहीं है कि मालिक ने अब आपकी इस कमजोरी को आपकी ताकत बनाना चाहिए, ये तो पहले से है गाइस। ये कमजोरी जब आपकी ताकत बनेगी ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस। उम्मीद से परे है ये बात, उम्मीद से परे है। एक दूसरी बात कि कहीं ना कहीं लोगों को आपका गुस्सा जो है ना, जो आपके चेहरे पर आ जाता है, या फिर आपके शब्दों के आधार पर आपका गुस्सा जो है ना, वो प्रस्फुटित होता है ज्वालामुखी की तरह,
तो ये चीज लोगों को पता है गाइस, और इसका फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया है। कई बार आपके विरुद्ध इस गुस्से का, आप ही के गुस्से का आपके विरुद्ध फायदा उठाया गया है। जैसे मान लो कि कहीं पर आपकी आपके साथ किसी के साथ बहसबाजी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में कोई इंसान इस तरीके का बिहेवियर करता है कि जानकर आपको और ज़्यादा गुस्सा आए, या कुछ इस तरीके की उल्टी बात करना। जो गलत व्यवहार वो करते हैं, वो गलत व्यवहार का कहता है ना कि बात आप पर मढ़ना, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा गुस्सा आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको झूठी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और यही रीज़न है कि उस बात पर आपका गुस्सा आए और आपके शब्दों में वो गुस्सा भड़के, और आप कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को, उनके व्यक्तित्व को लेकर बात को उठाओ कि आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपके शब्द जो है ना गुस्से में कड़वे निकल जाते हैं। और ये इंसान क्या करते हैं कि शायद आपकी बात को और ज़्यादा, मतलब ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं जिससे कि लोगों में आपकी बात जो है ना वो जाए, और लोगों को लगे कि कितने आप गुस्सेल हो, किसी के साथ किस तरीके का बिहेवियर करते हो, किसी को किस तरीके से कड़वे शब्द बोलते हो। शायद आपके बारे में यही होगा बाहर, आपकी इमेज को लेकर, कि आप कड़वे बहुत बोलते हो, आप किसी को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। किसी का व्यवहार जो है ना, कुछ लोगों का, किसी का नहीं, कुछ लोगों का आपकी लाइफ में व्यवहार जो है ना डबल पर्सनैलिटी वाला रहा है, कि आपके सामने कुछ और बिहेवियर, लोगों के सामने कुछ और बिहेवियर, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसे क्रिएट करने जिसमें लोगों के सामने आप गलत प्रेजेंट हो जाओ। कितनी सोच, मतलब कितनी चालाकी है, कितने षड्यंत्र। देखो, सबसे बड़ा खिलाड़ी मालिक है ना, इनके सारे खेल को ना विफल कर देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये। इनको जितना करना था कर लिया, लेकिन अब किस्मत आपके साथ है, अब भाग्य आपके साथ है। अब इन मामलों में ये जो छुप छुप कर शत्रु लोग, यहाँ जो आपके बुरा चाहने वाले उबर उबर कर अपनी योजनाओं को बनाते हैं ना आपके विरुद्ध, मालिक उन सारी योजनाओं को विफल कर देंगे। एक बात समझने की कोशिश करो गाइस, कि आप अकेले के विरुद्ध इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, इतने सारे, बात तो कुछ खास है ना। अगर आपको इतना कमजोर समझा जाता ना, तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती। समझ रहे हो, शेर अकेला ही काफी होता है और भेड़ियों का झुंड होता है। ये दिमाग में रखना गाइस, तभी मैं कहती हूँ ना मेरे शेर, क्योंकि इतना मुझे आपके बारे में पता है, आपके बारे में और लोगों को भी बहुत पता है। अपने आप को खंगालने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, स्ट्रेस को एक साइड रखो गाइस, और खुद को समझो। किस्मत भी अब आपका साथ देके आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, महापरिवर्तन है, ठीक है, जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। और आपकी कमजोरियां जितनी भी हेल्थ है, पैसा है, कोई इंसान है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका व्यवहार है, आपकी आदत है, आपका गुस्सा है, वो सब आपके पक्ष में काम करेगी, और आपको आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना, और मालिक से यही प्रे करना, मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बनाओ मालिक, ठीक है ना जी। और घमंड एटीट्यूड किसी और घमंड किसी बात का नहीं रखना, डाउन टू अर्थ रहना। चाहे कितना भी पैसा हो जाए, कितने ही स्टेबल हो जाए, है ना, लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ रहना, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक मेरी जो भी कमजोरी है, मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बना दो, मेरी किस्मत मेरा साथ दे, मेरा भाग्य मेरा साथ दे, मेरी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मेरे गुस्से को शांत कर दो, मेरे काम बने, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।